हेलो दोस्तों, दोस्तों देखिए अम्ब्रेला मशीन है। मैंने पिछली वीडियो में आपको ये व्हील बूस्ट ठोक के दिखाया था। इसको जैसे ठोक देते हैं ये शाम को, और ये मशीन जो भारी होती है, ये देखिए ये मशीन फिलहाल भारी है, तो इसको कैसे हल्का करेंगे और उसके बाद जो है ना दोस्तों मैं आपको बताऊंगा इसमें लट्टू कैसे लगाते हैं। ये देखें फिलहाल लट्टू नहीं लगा हुआ, और लट्टू लगा के दिखाऊंगा ताकि आपको जो है ना अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो उसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, जैसे ये है इसमें व्हील लगा लेंगे। ये देखें ये व्हील लगा लेंगे, और व्हील लगा के इसको स्टार मोशन से इसको टाइट कर देंगे और इसको घुमा के देखेंगे। ये देखें ये हमने इसमें व्हील लगा दिया, और अभी ये देखो कितनी भारी है। इसको हल्का करना है। हल्का करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, पहले इसको मट्टी तेल से डीजल से इसको धो देंगे थोड़ा, जो इसके अंदर कालस है ये, ताकि अच्छे से साफ हो जाए। और ये देखो आगे भी इसमें ऐसे तेल डालेंगे। ये देखें और इसको दोस्तों हिला के देखेंगे ऐसे। ये देखें ये देखें ऐसे इसको ऐसे हिला के देखेंगे। अगर ये आगे से हिल रही है, ये देखें अभी तो फिलहाल ये जाम है बिल्कुल, और ये देखें अगर ये हिल रही है तो इसमें बिरासुन डालेंगे। ऐसे पीछे से चेक कर लेंगे। ये देखो ऐसे पकड़ेंगे और इसको ऐसे हिला के देखेंगे। देखो दोनों साइड से जाम है, तो इसको क्या करेंगे बिरासुन से ग्रीन करेंगे। बिरासुन से ग्रीन करने के लिए दोस्तों ये देखें ये बरासो है, और इसको ऐसे उंगली पर लगाएंगे और इसको ऐसे ये देखें लट पर लगा लेंगे आराम सॉफ्ट पे ऐसे। ठीक है, और इसको ऐसे पीछे करेंगे, और ये पीछे भी ऐसे लगा लेंगे इसको, और इसको ऐसे घुमाएंगे। ठीक है, और इसको ऐसे देखें घुमाते रहेंगे, और ये देखें वो हल्का सा बिरासो लेंगे उंगली पे, और इसको अंदर ऐसे आराम साफ पे ऐसे लगा देंगे ताकि अंदर से भी ग्रीन हो जाए। और इसको ऐसे घुमा घुमा के इसको हल्का करना है बिल्कुल। ये देखें दोनों साइड में घुमाना है इसको, ताकि दोनों साइड में घूम के हल्की हो जाए, और हल्की इसको इतना करना है, पूरा हल्का करना है इसको। ये देखें एक एक सरसों तेल डाल देंगे ऊपर से, और पीछे भी डाल देंगे ताकि इसमें पॉलिश भी आ जाए बिल्कुल, आवाज़ ना करे ताकि। ये देखें और इसको तब तक घुमाना है जब तक ये बिल्कुल हल्की ना हो जाए। ऐसे हल्का हल्का भी रासो लेंगे और इसको पूरा हल्का कर लेंगे। ये देखा दोस्तों ये मशीन हमारी बिल्कुल, ये देखें ऐसे ऐसे चेक कर लेंगे इसको, और ये लट बिल्कुल हल्की होनी चाहिए। ये देखें हल्की ऐसे पता लगेगा दोस्तों, ऐसे आगे करेंगे तो अपना पीछे आ जाएगा ये। ये देखें ठीक है, और अब जब हल्की हो जाए इसको दोस्तों कपड़े से अच्छे से साफ कर लेंगे इसको। ये देखें ये कपड़ा घुमाया, और इसको ऐसे अंदर जब हमने बेसिक बिरासो लगाई है उसको भी अच्छे से ऐसे उंगली लगा के ये सारी कालस साफ कर लेंगे, और ऐसे ही आगे से ये देखें ऐसे ही आगे से ऐसे कपड़ा लगा के ताकि कालस ना रहे बिल्कुल भी, और इसको साफ करने के बाद इसको धो देंगे ये डीजल से मिट्टी तेल से। इसको बिरासों को बिल्कुल धोना है साफ करके। ये देखें आगे पीछे करके ऐसे ऊपर से, क्योंकि इसका अगर कालस रह गई दोस्तों हमारी जो है ना लट ढीली हो जाएगी। ये देखें इसको ऐसे अच्छे से बिल्कुल धोना है। ये देखें ये बिल्कुल अच्छे से धो जाएगी, और ऐसे अंदर से धोना है इसको, ऐसे अंदर से तेल लगा देंगे इसको। ये देखें और इसमें जो है ना बिल्कुल भी बिरासो नहीं रहनी चाहिए। ये देखिए ये बिल्कुल हमारी मशीन जो है ना बिल्कुल साफ़ हो चुकी है, रोफलकी हो चुकी है। देखिए जितनी मशीन हमारी अब हल्की होगी उसी से जो है ना हमारी मशीन पूरी हल्की बनेगी। अगर हमने अब भी भारी छोड़ दी तो मशीन जो है ना भारी रहेगी, तो इसको पहले ही हल्का करना है पूरा। ठीक है, ये हो गया, अब मैं दिखाता हूँ आपको इसको खोल देंगे, और क्या करेंगे दोस्तों इसको ऐसे सामने खड़ा कर लेंगे। ये देखें और जो इसका लटका खंचा है, ये जो खांचा है ये देखें इसको सामने कर लेंगे ऐसे, और इसको आगे सामने कर लेंगे ऐसे। और अब लेंगे दोस्तों लट्टू, ये लेंगे लट्टू। ठीक है, लट्टू लेने के लिए दोस्तों जो इसका पैंच है इसको लूज कर देंगे। ये देखें ताकि जब हम आराम सॉफ्ट में लगाए तो अड़े ना, इसको बिल्कुल बराबर कर देंगे ऐसे। ठीक है, और इसमें पैंच लगाएंगे। ये देखें पैंच ले लेंगे, सबसे पहले बड़ा पैंच लगाएंगे। ये देखें बड़ा पैंच है, और ये इसमें नीचे वाली साइड में जो गड्ढे वाले साइड में जगह है इसको यहाँ पे लगाएंगे ऐसे। ठीक है, और अब आ जाते हैं जिसमें कुंडी लगती है। ये देखें ये कुंडी लगती है जहाँ ऊपर जो है ना जो ऊपर पैंच लगाएंगे वो सबसे बारीक लगाएंगे, सबसे छोटा। ये देखें क्योंकि जब हम इसको क्या नाम अगर बड़ा लगा देंगे तो ये हमारी बॉडी में लग के चलेगा और आवाज़ करेगा। ये देखें ये बिल्कुल टाइट कर देंगे और बाहर नहीं निकलना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब लगाते हैं ये वाला पैंच, छः चूड़ी का पैंच बोलते हैं इसको। ये देखें ठीक है दोस्तों, इसके लिए क्या करना होगा, जब भी ये पैंच लगाए तो इसका खांचा चेक करना है।
ये खांचा जो है ना ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि इसमें जो है ना कुंडी टाइट होती है, तो उसको खांचे को हमेशा बढ़ा ले। इसको ऐसे टाइट कर देंगे और आर ई सी एस का खांचा बढ़ा लेंगे। देखें ये देखें दोस्त, ऐसे इसका खांचा बढ़ जाएगा, और जब खांचा बढ़ जाएगा तो उसको ऐसे इसमें लगा के टाइट कर देंगे। ज़्यादा टाइट भी नहीं करना और ज़्यादा लूज भी नहीं करना, ठीक है। ये देखें, ठीक है दोस्तों, और इसको खांचे के सामने, ये देखें खांचा इसका जो है ना, ये खांचा इसको ऐसे सामने कर लेंगे, ताकि जो लट्ठू का बड़ा पैंच है ये वाला, ये देखो जो लट्ठू का बड़ा पैंच होता है, ये बिल्कुल खांचे में टाइट होना चाहिए। ये इसमें एक एक बूंद तेल डाल देंगे और इसको खांचे के सामने, बिल्कुल जो बड़ा पैंच है ये खांचे के सामने रख देंगे ऐसे, ठीक है। और इसको खांचे के सामने रख के ऐसे ठोकू लेंगे, देखें, और इसको ठोक देंगे पूरा। इसको ऐसे बिल्कुल बराबर कर देंगे, ये देखें इसको बिल्कुल बराबर करके ठोकना है। ये देखें ऐसे उंगली लगा के चेक कर लेंगे, ठीक है। और अब क्या करेंगे दोस्तों, इसके पैच टाइट करेंगे लट्टू के, जो लट्टू के पैच हैं, ये जो क्या नाम, एक तो लट्टू का बड़ा पैच है, ये देखें इसको जान लगा के टाइट कर लेंगे, ये ताकि हमारा लट्टू बिल्कुल अच्छे से टाइट हो जाए। और ये नौ चूड़ी वाला पैच, ये देखें जो हमने बीच में गड्ढे में लगाया है, इसको भी जान लगा के टाइट कर लेंगे, ठीक है। ये हमारा लट्टू लग चुका है, ये देखें, ठीक है। अब हमें ठोकना है इसको व्हील बुश को पूरा, तो इसको ऐसे पकड़ेंगे और ये वाल लेंगे, और वाल को कहाँ लगाना है दोस्तों मैं बता देता हूँ आपको। वाल को लगाना है इस पर लट पे, ऐसे ये लट पे लगाएंगे यहाँ, और इसको मशीन को ऐसे इसके, ये देखें, इसको लगा देंगे और ऊपर से इसको व्हील बुश को पूरा ठोक देंगे। देखते रहेंगे, ये देखें इसको घुमा के देखते रहेंगे, इसको टाइट करना है, टाइट करके तब रबा करेंगे इसको, ठीक है। ये देखें ये मशीन हमारी बिल्कुल फिक्स हो चुकी है, और अब इस पर व्हील लगाएंगे और व्हील लगा के इस पर बिल्कुल टाइट कर देंगे, एक स्टॉमोशन टाइट कर देंगे दोस्तों। ये देखें मशीन भारी हो गई। अब इसको क्या करना है, अब इसको ग्रीन करेंगे, ठीक है। ग्रीन करने के लिए दोस्तों ये देखें, ये लट्टू में पहले यहाँ पे पीछे लट्टू के और डाक के बीच में बिरासो डक्का पानी डालेंगे हल्का हल्का, ये देखें ये हल्का हल्का पानी डालना है ऐसे, और इसको ऐसे घुमाएंगे, ठीक है। और ऐसे ही जब व्हील बुश शाम के बीच में जगह है यहाँ पे, ये देखें इसको ऐसे यहाँ पर लगा के इसको ग्रीन करेंगे, ऐसे तेल डालेंगे फिर बूंद, और इसको बिल्कुल हल्का कर लेंगे, दोनों साइड में घुमा के इसको हल्का करना है बिल्कुल, ये देख, ये भी हल्का हो जाए, तो इसको कपड़े साफ करना है ताकि इसमें काला सुन जाए, ठीक है। ये देखिए मशीन हमारी हल्की हो चुकी है, अब इसको कपड़े साफ कर लेंगे अच्छे से, ये देखो, और इसको धो देंगे, ये देखो आगे से भी और पीछे से भी इसको बिल्कुल अच्छे से धो देंगे, ताकि इसके अंदर काला सुन जाए, ठीक है। और ऐसे इसको सामने से धो देंगे जहाँ हमने बिरासो लगाई थी, इसको अच्छे से बिल्कुल, ये देखें साफ करना है बहुत अच्छे से, ये देखो, ताकि अगर इसमें काला से रह गई या इसमें बिरासो रह गई तो वो इसको ढीला करते रहेंगे चलते हुए, तो इसको बिल्कुल अच्छे से धोना है, ये देखें। और मशीन हमारी बिल्कुल हल्की होनी चाहिए, ये देखें, ठीक है दोस्तों। ये हमारे ये जो है ना लट्टू जो लगा दिया है, और मशीन हमारी बिल्कुल हल्की हो चुकी है, ये देखो, ठीक है। इसको तेल को सारा निचोड़ के मैं साफ करके दिखाता हूँ इसको सारे को, ठीक है दोस्तों। जैसे साफ कर लेंगे इसको अच्छे से, अब अच्छे से हमारी मशीन बिल्कुल साफ हो चुकी है। और इसमें क्या करेंगे दोस्तों, मशीन का तेल डालेंगे, देखिए ये मशीन का तेल है, इसमें अच्छे से ऐसे आगे पीछे ऐसे तेल डालेंगे और सामने भी डाल देंगे, ये देखें, और मशीन हमारी बिल्कुल हल्की हो चुकी है, ठीक है दोस्तों। अब हमने जो है ना आपको यहाँ तक लट होकर दिखा दिया है, और मशीन हमारी बिल्कुल हल्की है, यहाँ पे मशीन बिल्कुल हल्की होनी चाहिए, क्योंकि जब हम मशीन में आगे सामान लगाएंगे तो मशीन हमारी भारी ना हो, ठीक है दोस्तों। अगली वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों कुंडी कैसे लगाते हैं, ये देखें
अगली वीडियो में आपको ये लगाना सिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इस वीडियो को ज्यादा से शेयर करें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके दोस्तों ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो।